सिचुएटेड है वहाँ पे आपको ज्यादा अप्लाई करना है एंड पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करना है गाइस। सो भाई जो आपके ब्लैक हेयर्स हैं वो व्हाइट हेयर्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देखा था कि आपके जो दो तीन बाल आपके स्कैल्प पे व्हाइट हो गए हैं एंड एक वीक के बाद आप देख रहे हो कि आपके 10-15 हेयर्स व्हाइट हो गए हैं। तो इसको यहाँ पे ही आपको रोकना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइस। हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो भाई आज की टॉपिक जो है कि आप जो व्हाइट हेयर्स हैं वो डायरेक्टली रिवर्स कैसा कर सकते हो वो प्रोसेस एंड आपके जो ब्लैक बाल हैं वो कैसे वापस आ सकते हो। तो मैंने बहुत सारे मेरे टीनेजर जो फ्रेंड्स हैं मेरे से कम एज के गाइज, शॉकिंग बात यह है कि वो मेरे से कम एज के होते हैं एंड उनके जो व्हाइट हेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मेरी एज 22 है एंड मेरे स्कैल्प पे 2-3 व्हाइट बाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है गाइज। लेकिन मैंने 13-14 साल के बच्चों के स्कैल्प पे देखा है कि उनके हेयर बहुत ही ज़्यादा व्हाइट हैं एंड 50-60% ऑफ हेयर व्हाइट हो गए हैं गाइज। एंड अगर से आप प्रॉपरली डाइट मेंटेन नहीं करोगे, प्रॉपरली ध्यान नहीं दोगे तो आपके सारे बाल व्हाइट हो सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे लड़कियों के भी DMs देखे हैं मेरे इंस्टाग्राम में कि वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं कि वो पूछते रहते हैं कि उनके भी बाल व्हाइट हो रहे हैं तो उनको क्या करना होगा। तो उन सब के लिए ये वीडियो है गाइज। तो पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि क्या रीज़न से आपके जो ब्लैक बाल हैं वो व्हाइट हेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो पहली रीज़न है वो है कि स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है गाइज। जो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में प्रीवियसली बता दिया भी है कि आपके स्ट्रेस लेने से आपके बालों पे क्या असर पड़ता है। अगर से आपने पुराने वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं तो जाओ जाके वो चेकआउट करो गाइस। तो स्ट्रेस लेने से आपके बालों में जो DHT है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है गाइस। जो DHT है वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है आपके रिसेप्टर्स हेयर फॉलिकल्स में। जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड जो विटामिन एंड आपके पोषण आपके बालों के लिए चाहिए ग्रो होने के लिए, घने रहने के लिए, ब्लैक रहने के लिए, तो वो न्यूट्रिशन को वो ब्लॉक कर देगा। तो ये जो न्यूट्रिशन जब आपके बालों तक नहीं पहुंचेगा तो वो प्रॉपर केराटिन या प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा एंड आपके बाल धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे ब्राउन हेयर्स में। यहाँ पे जो सेकेंड प्रोसीजर आता है, तो सेकेंड प्रोसीजर वो है कि आपके जो स्किन पे मेलेनिन पिगमेंट है वैसे ही आपके बालों में भी मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। एंड अगर से ये मेलेनिन पिगमेंट आपके बालों में ज़्यादा धूप में एक्सपोज होने के कारण या ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण या प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन करने के कारण अगर से ये जो मेलेनिन होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, पहले तो आपके जो ब्लैक हेयर्स हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं ब्राउन हेयर्स में मेलेनिन डिक्रीज होने से। एंड जब आपका मेलेनिन टोटली निल हो जाता है गाइस तो ये जो ब्लैक हेयर्स हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे ब्राउन हेयर्स में एंड ब्राउन हेयर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे व्हाइट हेयर्स में गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसीजर है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारे 80-90% ऑफ हेयर्स वो व्हाइट हो जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि गाइस टेंशन लेने से स्ट्रेस बढ़ेगा एंड स्ट्रेस बढ़ने से आपका क्या होगा, DHT इंक्रीज होगा, जो मैंने पहली टिप में बताया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको जो रेमेडी बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो तीसरी चीज है वो है कि आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे ही आपको जो प्रोटीन इंटेक होता है, आपका जो फूड इंटेक होता है वो इंक्रीज करना होगा। लेकिन मेरे भाई क्या करते हैं, वो प्रोटीन इंटेक या फूड इंटेक इंक्रीज करने की जगह वो रिवर्स प्रोसीजर करते हैं। वो जो प्रोसीजर है वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड खाना पानी है वो कम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आपके बाल कैसे प्रोड्यूस करेंगे जो भी उनको प्रोटीन चाहिए गाइस। तो ये होता है, आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। आपके डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करना पड़ेगा, फ्रूट्स इंक्लूड करना पड़ेगा, ड्राई आलमंड्स, बादाम एंड जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो भाई आपने जान लिए हैं कि आपका जो सारे रीजंस होते हैं, तो गाइस आपको ये रीजन सारे आपको अवॉइड करना है करने से एंड जो मैं प्रोसीजर बोलने वाला हूँ अब वो आपको करना है गाइस। तो आपको फ़िलहाल ये पेस्ट बनाने के लिए आपको बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको जो चीज़ ये पेस्ट बनाने के लिए चाहिए वो बहुत ज़्यादा इजीली आपके घर पे ही अवेलेबल होंगे एंड आप ये आपके मॉम को बोल सकते हो बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड ख़ुद भी बना सकते हो गाइस। क्यों हर बार मॉम को बोलना चाहिए, आप खुद ही बनाओ गाइस। तो आपको क्या करना है, तो पहली चीज़ आपको क्या करना है कि आपको ऑनियन लेना है गाइस। ऑनियन को ग्रेट करना है एंड आपके जो ऑनियन में छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो छोटे पीसेस में से आपको स्पून लेके एक छनी इस्तेमाल करके वो जो सारा रस होता है ऑनियन का वो निकालना है। एंड जब ये ऑनियन का रस आपके पास मिल जाएगा उसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्यों ऐड करना है, नरिशमेंट न्यूट्रिशन एंड विटामिन एंड प्रॉपर ऑयलिंग एंड प्रॉपर ऑयल रिक्वायरमेंट आपके बालों के लिए, क्योंकि आपके बाल रूखे सूखे हो जाएंगे। तो अगर से आप ये ऑयल यूज़ करते हो तो आपको प्रॉपर ऑयल रिक्वायरमेंट चाहिए वो मिल जाएगी गाइस। एंड उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, लेमन ऐड करना है। लेमन क्यों ऐड करना है, विटामिन सी के लिए गाइस। विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर से आपके बाल
व्हाइट हेयर हो गए हैं, एंड वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है व्हाइट हेयर को ब्लैक हेयर में कन्वर्ट करने में, क्योंकि वो विटामिन सी में बहुत ज्यादा रिच होता है। तो ये सब ऐड करने के बाद आपको जो पेस्ट मिलता है वो आपको 30 मिनट्स तक आपके स्कैल्प पे लगाना है, एंड जहाँ पे भी आपके व्हाइट हेयर मोस्टली सिचुएटेड है वहाँ पे आपको ज्यादा अप्लाई करना है, एंड पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करना है गाइस, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे व्हाइट हेयर है या नहीं। तो सारे स्कैल्प पे अप्लाई करना है, एंड जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी ऑफ व्हाइट हेयर है वहाँ पे ज्यादा अप्लाई करना गाइस। तो ये प्रोसीजर आपको 15 डेज में एक बार कर सकते हो, एंड अगर से आपके पास ज़्यादा वाइट बाल हैं तो 30 दिन में दो बार करना है, एंड आपके जो एक ही सीटिंग में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, एंड दो सीटिंग में आपके जो वाइट हेयर्स हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लैक हेयर्स में, एंड ये एक परमानेंट सोल्यूशन है गाइस। एंड जो मैं पॉइंट बताना भी चाहता था वो है कि अगर से आपकी एज 30 to 35 है तो ये प्रोसीजर जो वाइट हेयर्स का है वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है आपके लिए, क्योंकि जो एज के कारण आपके ब्लैक हेयर्स हैं वो वाइट हेयर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस ये प्रोसीजर को आप रिवर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन जो आप मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड टिप बताई थी स्ट्रेस एंड डाइट मेंटेन करने की, वो आप फॉलो करके एंड ये रेमेडी आप यूज़ करके आपके जो वाइटनिंग ऑफ हेयर्स है वो प्रोसेस को स्लो कर सकते हो गाइस। सो मेरे जान, अगर से आपको कोई भी क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जाओ जरूर जाके कमेंट करके मुझे बताना गाइस, एंड अगर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा गाइस। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेक्सी, बी डिफरेंट एंड डू व्हाटएवर यू वांट गाइस, टिल देन।